हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीज़ा का बताते हो, साथ साथ स्पॉन्सरशिप लेटर और एप्लीकेशन का भी हमें बताओ, रिकमेंड करो कि कैसे हम वो एप्लीकेशन लिखें। तो आज की वीडियो एप्लीकेशन और स्पॉन्सरशिप लेटर की है। इस टाइप से मैंने आपको ये स्पॉन्सरशिप लेटर का है कैसे आपने ये फिल करना है, और अगर एप्लीकेशन जो भरनी होती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए उसका भी मैं बता रहा हूँ। दोनों लेटर्स जो हैं इसी वीज़ा के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अब आगे चलते हैं और लेटर के तरफ हम इसमें नज़र डालते हैं। इस टाइप से ये दो लेटर्स हैं, एक है एप्लीकेशन फॉर अ टूरिस्ट पर्पस और एक स्पॉन्सरशिप लेटर। इन दोनों को अब हम इस टाइप से आपने भरना है, और मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर अ टूरिस्ट पर्पस जो हमने भेजनी है और जो लिखनी है उसमें क्या क्या हमने लिखना है। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ साइड में ऊपर की तरफ, टू द वीज़ा ऑफिसर सिंगापुर हाई कमीशन न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली से भर रहा हूँ तो न्यू दिल्ली आएगा, आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं उस स्टेट्स का वहाँ वो आएगा नाम। और सब्जेक्ट में आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर अ टूरिस्ट पर्पस, फिर डियर सर और मैम। उसके बाद आपने लिखना है दिस इज ब्रिंग टू योर नोटिस डेट आई, मतलब आपका ट्रैवल नेम आएगा, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर, यहाँ फिर उसके बाद जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका पासपोर्ट नंबर आएगा, अलॉन्ग विद माई वाइफ, जो आप अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं तो उनका नाम आएगा आपकी वाइफ का, और उनका फिर पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, अलॉन्ग विद माई डॉटर, या अगर बच्चे हैं तो बच्चों का नाम आएगा, प्लस उसके बाद होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर यहाँ आएगा। फिर उसके बाद सेम आपने ऐसे ही लिखना है, वुड लाइक टू ट्रैवल टू योर कंट्री फॉर टूरिज्म पर्पस, हम टूरिस्ट पर्पस के लिए आपके कंट्री में आ रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे हमने लिखना है प्लीज़ नोट डेट वी हैव ऑलरेडी मेड द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर अ स्टे इन योर कंट्री, प्लीज़ फाइंड द इंक्लोज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन स्पॉट ऑफ आवर वीज़ा एप्लीकेशन। हमने होटल और फ्लाइट अपनी रिटर्न की करानी है अगर हम सिंगापुर जा रहे हैं, तभी ये एप्लीकेशन आपने लिखना है कि हमने होटल अपना बुक कराया हुआ है और हम आपके कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमने नीचे लिखना है वी वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड इशू अस अ नेसेसरी वीज़ा इनेबलिंग अस टू विजिट योर कंट्री, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप हमें वीज़ा जो है इशू कर दें, हमें नेसेसरी है उसकी, ये लिखना है। और फिर उसके बाद All the expense will be borne by me and my wife. अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने वाइफ और बच्चों को तो आपने केवल मी लिखना है, और वाइफ भी अगर कर रहे हैं तो दोनों का लिखना है, अगर वाइफ जॉब करते हैं तो दोनों का लिखो तो बेटर रहता है, उससे वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर यहाँ लिखना है यू आर ट्रूली, आपका नाम आ जाएगा, और अगर आपकी वाइफ भी स्पॉन्सर कर रही है तो उनका नाम, और नीचे की तरफ सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरीके से ही हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट पर्पस भरना है। और जो अब दूसरा है स्पॉन्सरशिप लेटर, अब उसमें चलते हैं, उसकी तरफ नज़र डालते हैं। वैसे ही कंपनी के लेटर एड पे लिखा जाता है, और लेटर एड कैसे बनता है मैं उसका भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेटर एड में सबसे ऊपर आता है कंपनी का नेम, और कंपनी का एड्रेस हो गया, फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आई डी एंड जी एस टी नंबर अगर है तो। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा जाता है स्पॉन्सर फॉर अ फैमिली ट्रिप, रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर उसके बाद आई एम द ऑनर प्रोपराइटर ऑफ कंपनी, नेम आ जाएगा स्पॉन्सर माई सन, जो ट्रेवल है उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, विद हिज फैमिली, वाइफ का लिख के फिर वाइफ का नाम आ जाएगा आपकी, एंड डॉटर या सन जो भी है, या एक ऑप्शन आप चूज़ करके उसका अपना नाम लिखेंगे, नाम पूरा लिखना है जो भी आपके पासपोर्ट में है। फॉर अ सिंगापुर ट्रिप माई, मतलब अगर जो आपका ट्रैवलर है उसमें ट्रैवल का नेम आ जाएगा एंड आपकी वाइफ का नाम आ जाएगा, इज़ आल्सो वर्किंग विद अस इन कंपनी, अगर आपके आईटीआर वगैरह नहीं जाती और प्रॉब्लम है फैमिली, कई बार मोस्टली इंडिया में क्या होता है फैमिली के नाम पे बिजनेस होता है, फादर के नाम पे होता है, बच्चे वहाँ हेल्पिंग हैंड होते हैं तो उनके नाम पे कुछ नहीं होता, तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है। तो फिर वहाँ कंपनी नेम आ जाएगा, ट्रिप डिटेल आ जाएगी जैसे फ्लाइट वगैरह जो भी आपने कराई हुई है, इट विल बी द ग्रेट ग्रैंड देम वीज़ा
इफ़ एनी फर्दर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड प्लीज़ लेट अस नो, मतलब बिहाफ पे कंपनी पूछ वीज़ा एम्बेसी को बोल रही है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप हमें हमसे ले सकते हो, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। विद रिगार्ड, कंपनी का ऑनर का नेम आ जाएगा और कंपनी का नाम नीचे आ जाएगा प्लस साइन एंड स्टैम्प होके ये स्पॉन्सरशिप लेटर तैयार हो जाता है। इस तरीके से स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको वीज़ा के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राधे राधे।